Good morning, dear children of class 3rd. So, dear children, as you know, our poem What's in the Mailbox is going on. So, children, today we will do another activity of our poem, page number 79 Paper Fun. Activity Let's make an envelope and post our letter to. So, first you have to take a square piece of paper. ओके देन आफ्टर फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड्स ओके थर्ड स्टेप फोल्ड टू कॉर्नर्स एंड पेस्ट देम विद द लिटिल क्ल्यू ओके फोर्थ वन फोल्ड द थर्ड कॉर्नर एंड पेस्ट इट विद क्ल्यू फिफ्थ वन लीव द फोर्थ कॉर्नर ओपन तो बच्चों आपको क्या करना है आपको एक एनवेलप बनाना है एक लिफाफा बनाना है जिसमें हम अपने लेटर को पोस्ट कर सकें तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है जैसा कि फर्स्ट स्टेप में दिखाया गया है ठीक है उसके बाद फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर टू मेक फोल्ड्स उसके बाद उसके चारों कोर्नर्स को फोल्ड करना है अच्छे से ओके देन उसके बाद थर्ड पार्ट फोल्ड टू कॉर्नर्स एंड पेस्ट दैम विद द लिटिल ग्ल्यू उसके बाद दो कॉर्नर को अच्छे से थोड़ा सा आपको ब्ल्यू लेना है गम लेना है उसके बाद उनको चिपका देना है फोर्थ स्टेप में फोल्ड द थर्ड कॉर्नर एंड पेस्ट इट विद ग्ल्यू उसके बाद थर्ड जो कॉर्नर uh, है उसको भी आप लोगों को चिपका देना है ग्ल्यू से और उसके बाद लीव द फोर्थ कॉर्नर ओपन और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको फोर्थ कॉर्नर जो है वो आपको ओपन छोड़ना है जिससे कि आप अपना लेटर उसमें डाल सके ओके इस तरह से आपका एनवलप जो है वो बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है राइट द एड्रेस नीटली ऑन द एनवलप एंड फिक्स द स्टेम्प ऑन द राइट कॉर्नर ओके आपको क्या करना है राइट द एड्रेस नीटली ऑन द एनवलप एंड फिक्स द स्टेम्प ऑन द राइट कॉर्नर आपको उस पर एड्रेस लिखना है एनवलप पे। और एक उसके साथ स्टैम्प होती है उस स्टैंप छोटी सी लगा देनी है आपको अगर स्टैम्प ना हो तो कोई भी बात नहीं उस पर एड्रेस लिखना है और उसके बाद जब ये एनवेल बन जाए उस बनने के बाद आपको इसको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में पेस्ट करना है ओके समझ आया आपको एक एनवलप बनाना है जैसा कि इसमें बताया गया एक्टिविटी में मैंने आपको समझा भी दिया है और उसके बाद उस एनवलप को आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में पेस्ट करना है ओके okay? तो ये है आपका काम आई होप यूल अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय